रोहतक लोकसभा क्षेत्र से नवनियुक्त भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करेंगे। कोसली की जनता का आभार जताने के लिए वो पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बाबा मुक्तेश्वरपुरी धाम पहुंचकर बाबा की प्रतिमा पर चादर चढ़ाई है। यहां मठ परिसर में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कोसली क्षेत्र का रुका हुआ विकास अब अपनी रफ्तार पकड़ता नजर आएगा। बाबा के धाम पर 24 घंटे बिजली के इंतजाम के लिए भी काम किया जाएगा। वहीं सेना में अहिर रेजिमेंट बनवाने के लिए वो खुद रक्षा मंत्री से मिलेंगे और उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत की। हालांकि शर्मा ने इस दौरान आगामी विधानसभा में भाजपा की बंपर जीत का भी दावा ठोका। हमसे हमने आशीर्वाद लिया, बाबा ने पूरा आशीर्वाद दिया और भाई इसमें भी कोई शक नहीं, 12 तारीख को जब कोर्ट पड़ रही थी तो भाई कोई मानो या ना मानो लेकिन बाबा साक्षात आकर के रोहतक में बैठ के दिया है कि भाई मुक्तेश्वर धाम में भाई बिजली नहीं जानी चाहिए, भाई आपको सोलर का लगाओ, कोई जनरेटर जो भी है, मैं इस बात का मैं कहता हूँ, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, भाई मुक्तेश्वर धाम में जल्दी से जल्दी मैं टीम भेजूँगा एक्सपर्टों की कि भाई यहाँ क्या हो सकता है और मुक्तेश्वर धाम।